और इस मामले को अनेकों बार संसद में भी उठाया गया है, जिस पर केंद्र में ना तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने और ना ही अब वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक भी इसका कोई संज्ञान लिया है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों की तरह आपके राजस्थान प्रदेश में भी सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब मजदूर किसान कर्मचारी व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित ही नज़र आते हैं और इनमें किसान लोग तो यहाँ सबसे ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों में विभिन्न पार्टियों की रही सरकारों की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से अब यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और ख़ासकर डीजल पेट्रोल व रसोई गैस आदि की वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही कीमतों ने तो अब यहाँ लोगों को और भी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। अब हालांकि चुनाव के दौरान में इनकी थोड़ी कीमतें कम हुई हैं, चुनाव से पहले काफ़ी इनकी कीमतें बढ़ गई थी और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर से डीजल पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिससे यहाँ आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा इनकी बिना पूरी तैयारी के खासकर नोटबंदी एवं जीएसटी के लिए गए फैसले से तो अब यहाँ देश की अधिकांश जनता बहुत ज़्यादा दुखी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय यहाँ गरीब व आम आदमी का ही विकास होना चाहिए। तभी सही मायने में यहाँ की जनता अपनी गरीबी बेरोजगारी महंगाई व अपनी अन्य और सभी समस्याओं से भी काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ ही जहां तक आपके राजस्थान प्रदेश सहित पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने का सवाल है तो इस मामले में केंद्र में अधिकांश रही कांग्रेसी सरकार ने वे वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक जो भी केंद्रीय योजनाएं संचालित की हैं तो उनके अब काफ़ी वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इन योजनाओं से ना तो यहाँ की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर हुई है और ना ही आम जनता की गरीबी एवं बेरोजगारी में कोई खास कमी आई है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे आपका अपना खुद का राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने राजस्थान प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही आने को मानकर चलती है और इन विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं बल्कि देश के उन
उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व राज्यों में तथा आपके अपने खुद के प्रदेश में भी अभी तक भी यहाँ सत्ता में आती रही हैं।